गरीबों को भूखे मरने की कगार पर देखकर दीवाने खास संस्था ने गरीबों को बांटे आटे के पैकेट और सब्जी तेल मसाले। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग स्थित गांव आनियोर में कुछ गरीब परिवार भूखे मरने की कगार पर थे और कई दिनों से खाना नहीं खाया। जब ये सूचना गांव के एक युवक विकास जी को लगी तो उन्होंने तुरंत ही इनकी मदद करने की ठान ली और उन्होंने दीवाने खास नाम की एक संस्था के रूप में इन गरीबों को आटा, सब्जियां, तेल और मसाले उपलब्ध करवाए। जब इस संबंध में विकास जी से बात की गई तो बताया कि मुझे किसी ने बताया कि एक परिवार कई दिन से भूखा है, तो मैंने सर्वप्रथम उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन देखते ही देखते कई परिवार और भी खराब स्थिति में मुझे मिलने लगे। मेरा दिल सबको देखकर भर आया और मैंने एक के बाद एक परिवारों में मदद करने का सिलसिला जारी रखा और आज ऐसे कई परिवारों तक मेरी मदद पहुंची है और कई अन्य लोगों ने भी आगे आकर मेरा साथ दिया और मैं लगातार इस काम को अंजाम देने में लगा हूँ। उनका कहना है कि इस तरह से समाज सेवा करके मुझे सुकून मिलता है। क्या नाम है आपका और ये कौन सी जगह से जानी जाती है, यहाँ आज समाज सेवा चल रही है, किस वजह से आज समाज सेवा चल रही है? जी, मेरा नाम विकास है, मेरा दफ्तर दीवाने खास है। आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन के दौर में गरीबों का तो मरना ही है, इसलिए तो हमने एक मुहिम शुरू की थी आटा बांटने की। तो 5 किलो का आटा बांटा, 10 किलो का अभी कट्टा दिया जैसा हमसे बना, सब्जी भी दी और तेल भी दिया और अब तो 120 से ज्यादा परिवारों को यह मदद पहुंचाई जाती है। अच्छा, तो 120 परिवारों के लिए आपने ये दाल चावल की जो व्यवस्था की थी कि किस तरीके से आपको ये हेल्प करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन किन समाज सेवियों के आपके पीछे हाथ है? देखिए, सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो डाली थी एक रोते हुए परिवार की, कालाबाजारी में पिछड़े परिवार की। उस परिवार को मैंने कहा कि मैं तुम्हारा 2-3 आटे के कट्टे दूंगा, तो और परिवारों ने भी कहा कि विकास भाई हम इसको देंगे, जिसमें गौतम खंडेलवाल गोवर्धन से जुड़े और क्या कहते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया था कि कालाबाजारी जो चल रही है, क्या आपकी इस कालाबाजारी पे ये गांव आन्योर में किसी अधिकारी की कोई नजर पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं, मेरी नजर में अभी तक यहाँ कोई अधिकारी इसमें कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, तो कालाबाजारी के पीछे क्या क्या कोई सामान महंगा मिल रहा है, या जो गुटखा 500 पाड़ी के ऊपर जो रोक लगाई गई है, क्या वो सामान आज आपके गाँव में भी मिल रहा है या उस पर भी रोक है गाँव में? देखिए, 2-3 दिन पहले मेरी नजर में आया था कि क्या कहते हैं, वो बंडल तो बंद हो गए और वो गुटखा भी बंद हो गए, लेकिन जो आटे में जो लगातार दिया जा रहा है वो काफी महंगा दिया जा रहा है, जो मुख्य चीज है।